एक से एक भोजपुरी कॉमेडी देखने के लिए हमारे चैनल TS म्यूजिक को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। अरे सुनुआ, तू यहाँ खड़ा है रे? आज बाहर जाने वाला था। बाहर? हाँ, बाहर हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि नून रोटी खाएंगे और संग ही जिंदगी बिताएंगे। का? हाँ। अरे खसाई आके नहीं गाना सुना है कैसे? कौन सा रे? नून रोटी खाएंगे संग ही जिंदगी बिताएंगे। बुर्बकता नहीं ना, जब नून रोटी खाएगा तो लड़कियाँ भाग नहीं जाएगी रे, कौन रहेगी रे? अरे यार हम तो नहीं पता। बुर्बकता नहीं ना। अरे अरे मुनवा, का गुरु जी तू इधर घूम रहा है रे? तो क्या करे, कल दिए थे याद करने के लिए, अभी सीडी याद किया है? हाँ गुरु जी याद है। तब सुनाओ तो। ए बी सी और डी और सब कुछ ठीक ठाक है, अपना सुनाइए। अरे पिंटुआ तू यहाँ भौंस चरा रहा है रे, कल भी नहीं गया था पढ़ने और आज भी नहीं। अरे पापा बोले हैं भैंस चराने के लिए। तो अरे तो तू पढ़ाई छोड़ के भैंस चराएगा? तो क्या करे, पढ़म लिखम बना मूद आ भैंस चराई मिली दूध, आइल बना पढ़े सिखाब तो। अरे तो तू दूध के लिए भैंस चराएगा, पढ़ेगा नहीं? नहीं बुर्बकता नहीं ना पिया। अरे यार मुने ये भैंस चरा रहा है रे, तो क्या करे, भैंस चरा रहे, काम है, काम कर रहे है। और बेटे के कर रहा था रे? तो क्या हो गया, बेटे किए थे तो फेल हो गए दो नंबर से, तो हमारे पापा जी है ना वो कह दिए ना कि तू फेल हो गया ना तो तेरे लिए भैंस खरीद देता हूँ, चल भैंस चारा। तो मैं चरा रहा हूँ। पागल कहीं का भैंस चराएगा रे? तो क्या करेंगे, ये भी तो काम ही ना है, बेटे करके भैंस चराएगा तो क्या करेंगे, काम नहीं मिलेगा तो। अब पता नहीं है इधर सेटिंग भी न किए हैं, बुलाए हैं भैंस के बहाने आ जाते हैं इधर, तो इसीलिए ये जीत जाट में आया है ना। समझा करो यार। अरे पिंटू, अरे यार तेरे मेरे को भी थोड़ा बनाना। और कहाँ जा रहे हो इधर? और जा रहे हैं हम इधर घूमने जा रहे हैं ना, मार्केट जा रहे हैं। मार्केट जा रहे हो? हाँ इधर देखे तुमको कि मार जीत जाट में भैंस चला। चलो जाओ 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 रहने दो, तो जाओ जाओ जाओ। जाइए भाई साहब। अरे यार ये बाल झाड़ने के लिए यहाँ रुका है। यार हाँ, अब कुछ था नहीं तो थोड़ा बलवा बिगड़ गया था हवा में जानने, तो सोचा कि आप आ रहे थे आपके में मतलब ऐनक था ना, तो इसलिए सोचे खाड़ करवा कर थोड़ा झाड़ ले। अब जाइए आप। अरे कल पढ़ने क्यों नहीं गया था रे? अरे गुरु जी कल उससे मिलने गए थे इसलिए। हाँ हाँ लिए। अरे किस लिए गया था? हाँ गुरुजी लिए। किस लिए? मैं कह रहा हूँ गुरुजी लिए, दो चार छह लिए। लिए? अरे बुर्बक है का, किस लिए? गुरुजी हम कह रहे हैं कि लिए तो। पागल कहीं का। अरे तू इतना देर क्यों कर दिया रे आने में? गुरुजी हम आ रहे थे, हम दौड़ दौड़ के आ रहे थे, वो पिछवा रोडवा नहीं है, रोडवा पे लिखा था ना कि आगे स्कूल है कृपया धीरे चले, इसीलिए मैं धीरे 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 चल कर आया हूँ गुरुजी। बड़ पागल कहीं का धीरे। हाँ, गुरुजी कर... बड़ा ही स्मार्ट है। तुम बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिए गुरुजी उस समय हम थे नहीं, और होते भी ना तो वहाँ हम नहीं जाते, क्योंकि हम झगड़ा झंझट से दूर रहते हैं, समझ गए ना? ये जाता है ये झगड़ा में सबसे पहले, इसे पूछ लीजिए, मेरे को नहीं पता है, मैं इससे दूर रहता हूँ। तुम बताओ तेरे, तुम बताओ तुम बक्सर का युद्ध कब हुआ था? और बक्सर का युद्ध हुआ का हमको क्या मालूम है, हम नहीं जानते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ। पागल है, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है। अरे तू बैठ गए, खड़ा हो तो बोलिए। चलो एक सवाल बताओ, सीता जी के स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा था? अब देखिए गुरुजी आप एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं, हम कह दिए कि नहीं झगड़ा झंझट से दूर रहते हैं भाई, हम झगड़ा झंझट में नहीं जाते हैं, आप झगड़ा ही वाली बात पूछते हैं। अब हमारे को क्या पता कि किसने धनुष तोड़ दिया, ये अब आपका काम है, आप पता लगाइए, हम झगड़ा झंझट से दूर रहते हैं, ऐसा सवाल हमसे मत कीजिए। अच्छा सवाल पूछिए यार, यहाँ सब पागल लड़का आता है। जब हम तोड़े ही नहीं है तो हमसे पूछ रहे हैं, अब इनका काम है ये पता लगाएं। गजब हाल है। ए तू तू नीचे में मुड़ी करके क्या बैठा है, चल खड़ा हो तू बता तो। हम चल। हाँ हाँ बताओ कि भारत में अंग्रेज कहाँ से आए थे?
अपने घर से गुरुजी। पागल कहीं क्या घर से आए थे? साला सब पागल है यहाँ। अरे मुनवा। हाँ गुरुजी। इधर क्या घूम रहा है रे? अरे हम तो ऐसे ही घूमने आ गए थे। अच्छा एक सवाल बता। हाँ पूछिए। चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पे पहला कदम? हाँ वो अपना राकेश शर्मा। दूसरा कदम किसने रखा था? दूसरा कदम उसी ने रखा था गुरुजी। वो लंगड़ा थोड़े था कि आएगा एक गोड़ पे। बात करते अरे मुनवा इधर अभी घूम रहा रे। हाँ तो अभी इधर ही है गुरुजी। इधर घूम रहा है? हाँ। अब देखिए आप फिर राकेश शर्मा के बारे में बात मत कीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो उधर कहाँ जा रहा है? पहले इधर आप एक सवाल बता। ठीक है पूछिए, दूसरा सवाल पूछिएगा। हाँ ठीक है। ये बता हाँ? कि जब बादल गरजता है हाँ? तो पहले दिखाई देता है और सुनाई बाद में क्यों देता है? गुरुजी नहीं पता है आपको? हाँ बता। आँख जो है ना आगे है, इसलिए पहले देख लेता है और कानावा पीछे है, बाद में सुनता है गुरुजी। पागल कहीं कहीं।